इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है टेनोर शेयर के रीबूट ऐप ने। इस एक ऐप की मदद से आप अपने आईफोन आईपैड की 150 से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे दो तरीके के मोड मिल जाएंगे आपको। नॉर्मल आपको मिलेगा रिपेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, जहाँ पे जाके आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बट अगर आपका फोन रिकवरी मोड के अंदर फंस गया, बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, तो आप जा सकते हो एंटर रिकवरी मोड में। बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है और इसको आप यूज कर सकते हो विंडोज एंड मैक के ऊपर। और आपके लिए 70% डिस्काउंट कोड मैं लेके आया हूँ। डिस्क्रिप्शन में है लिंक, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो अपने लिए टेनोर शेयर रीबूट। iOS 14 फाइनली रिलीज हो चुका है सारे ही आईफोन्स के लिए। आईफोन 6s से लेकर iPhone 11 Pro Max तक आपके पास कोई भी फोन हो, आप अपडेट कर सकते हो। iPhone 6s से नीचे जिनके पास फोन है, उन्हें 12 के आगे के अपडेट नहीं मिलेंगे। तो 6s और उससे ऊपर वाले SE सेकंड जनरेशन आपको अपडेट मिल जाएगा। और अगर आप iPad यूजर हो, iPad OS 14 भी हो गया है रिलीज, उसके ऊपर जो वीडियो है वो भी थोड़ी देर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले iOS 14 की अगर मैं बात करूं, 2.83 GB का अपडेट है ये, बहुत सारे फीचर्स हैं। तो सबसे पहली चीज साइज की अगर बात करूं, 2.83 मेरे पास दिखा रहा है, आपके फोन के ऊपर कम या ज्यादा हो सकता है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। और क्योंकि एक बहुत बड़ा अपडेट है, तो पहले बैकअप कर लें अपने फोन को, उसके बाद ही अपडेट के लिए लगाएं। और दूसरी चीज, वाईफाई के ऊपर से अपडेट करो, प्लीज 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 वाईफाई के ऊपर से अपडेट करो। हॉटस्पॉट मत यूज करना, बहुत बड़ा अपडेट है, मैं नहीं चाहता बीच में आपका जो अपडेट है वो स्टक हो जाए। और अगर पॉसिबल है तो अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करें, iTunes से अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट करें, या फिर अगर आप मैक यूजर हो तो आपको पता ही है क्या फॉर्मेट है, आप अपना जो फोन है वो कंप्यूटर से अपडेट करें तो ज्यादा सेफ रहेगा। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो वाईफाई यूज करें, हॉटस्पॉट बिल्कुल भी यूज ना करें। तो अभी 2.83 GB का अपडेट है, मैं इसको करता हूँ फटाफट से अपडेट और फिर आपको बताता हूँ कि क्या है यहाँ पे नया। iOS 14 के ऊपर आ चुका है हमारा फोन। सबसे पहला नया फीचर जो आपको मिलने वाला है, स्मार्ट विजेट्स। जैसे अभी आप देख सकते हो ऊपर मैंने पिक्चर्स लगाई हुई है, नीचे मैंने बैटरी वाला लगाया हुआ है। अब सबसे पहले विजेट की बात करूं तो ये है स्मार्ट स्टैक विजेट। यहाँ पे एक टाइम पे 5-6 आप विजेट एंजॉय कर सकते हो। इसके बाद सबसे फेमस फीचर होने वाला है ऐप लाइब्रेरी। अब यहाँ पे देख सकते हो 4 पेजेस है और फोर्थ पेज के एंड में आपको दिख रही है ऐप लाइब्रेरी, जो की कैटेगरी के हिसाब से आपकी एप्स को स्टैक कर देती है एक ही फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे देख सकते हो यूटिलिटीज के अंदर कितनी सारी है। अगर मैं बैक जाता हूँ शॉपिंग के अंदर, तो आप शॉपिंग की जितनी भी एप्स है जो मैंने डाउनलोड की हुई है उनको स्टैक कर देता है। और अब यहाँ पे ऐप लाइब्रेरी को और भी ज्यादा पास लेके आने के लिए, क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारी एप्स हैं मेरी तरह, तो यहाँ पे देख सकते हो 4 पेजेस हैं। साइड की आप बार बार स्क्रॉल करो, आप एक बहुत ही कूल चीज कर सकते हो, आपको बस होल्ड कर रखना है कहीं पे भी, उसके बाद ये जो डॉट्स हैं यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, और उसके बाद ये जो आपको टेक्स्ट देख रहे हैं आपको अनचेक कर देना है, और अब यहाँ पे बस एक ही पेज होगा। तो आप देख सकते हो पहला है यहाँ पे एप्स हैं, अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है और साइड में आ जाएगी ऐप लाइब्रेरी। तो इस तरीके से आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। थर्ड नया फीचर है कॉल नोटिफिकेशन। अब कॉल नोटिफिकेशन पूरी स्क्रीन पे नहीं आएगी, सिर्फ टॉप साइड पे आएगी, तो यहाँ से आप एक्सेप्ट या डिक्लाइन कर सकते हो। और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते हो, डिक्लाइन नहीं करना चाहते हो, आपको बस ऊपर को स्वाइप कर देना है और कॉल जो है वो टॉप पे चले जाएगी और हिडन हो जाएगी, और आप जो भी काम कर रहे हो वो कर सकते हो। पहले ये चीज बहुत ज्यादा दुखी करती थी। कॉल नोटिफिकेशन के बाद एक बहुत ही कूल फीचर वो है सिरी। अब जो सिरी का नोटिफिकेशन है वो भी आपको नीचे दिखेगा, पूरी स्क्रीन में सिरी नहीं आएगी, और यहाँ पे जो सिरी के रिजल्ट भी आएंगे वो टॉप साइड पे आएंगे, पूरी स्क्रीन में नहीं आएंगे। अब ये फीचर आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है, वो है पिक्चर इन पिक्चर। मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हो, आप जाते हो बाहर, तो अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप कहीं पे भी इसको रख सकते हो, बड़ा या छोटा कर सकते हो साइज। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो बाहर किसी और ऐप पे आपको काम करना है, तो आप पिक्चर इन पिक्चर मोड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की अगर मैं बात करूं, तो अब आप कस्टमाइज कर सकते हो डिफॉल्ट ऐप अपने ईमेल एप्लीकेशन के लिए और अपने ब्राउजर के लिए। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं सफारी ना यूज करूं, क्रोम यूज कर लूं, तो मुझे बस क्रोम में जाना है, ऊपर आपको एक टैब दिख रहा होगा डिफॉल्ट ब्राउजर ऐप, यहां पे सफारी है, मुझे पिक कर लेना है क्रोम को, तो अब जो भी चीज ओपन होगी वो डायरेक्टली ओपन होगी क्रोम में, मुझे सफारी में जाने की जरूरत नहीं है। सेम चीज ईमेल के लिए भी आप यूज कर सकते हो। और एक बहुत ही कूल फीचर है जिसके लिए आपको जाना होगा एक्सेसिबिलिटी में। मैंने क्योंकि अभी अभी इंस्टॉल किया है तो मुझे नहीं पता, ये जितनी भी टिप्स हैं मैंने भी बाकी चैनल से ही देख के निकाली हैं, क्योंकि मैं भी अभी बस इंस्टॉल किया और साथ ही वीडियो बना रहा हूं, ये जितनी भी टिप्स हैं मैंने एवरीथिंग एप्पल प्रो से कॉपी की हैं, तो ये चीज क्लियर कर देता हूं। अब अगर हम जाते हैं एक्सेसिबिलिटी के अंदर, उसके बाद जाते हैं टच में, बिल्कुल नीचे हमें दिख रहा है बैक टैप। अब यहां पे डबल टैप और ट्रिपल टैप कर अपने फोन के बैक साइड पे आप काफी सारे फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हो। तो एक बार ट्राई करते हैं, मैं ऑन करता हूं, डबल टैप पे मैं ऑन करता हूं कि मेरा जो फोन है वो मुझे दिखाए रीचेबिलिटी कर लेते हैं, और अब एक बार ट्राई करते हैं, तो चल रहा है। डबल टैप, एक बार फिर से डबल टैप करता हूं,
तो सही है यार, ये चीज़ काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, तो इसको अब एक बार फिर से डबल टैप कर देता हूँ रीसेट करने के लिए। तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। मैंने डबल टैप पे सेट किया है, आप ट्रिपल टैप पे भी कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको ऑफ रख देता हूँ जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये फीचर भी काफ़ी सारे लोगों को पसंद आएगा जो लोग बहुत ज़्यादा टेक्स्टिंग करते हैं मेरी तरह। अब जो इमोजीज हैं वो आप सर्च कर सकते हो, मैं करता हूँ फायर, तो फायर वाली जो एमोजीज हैं वो यहाँ पे आ गई हैं। और इसके बाद ही अगर मैसेजेस के अंदर मैं हूँ, मैसेजेस के अंदर ही हमें न्यू एमोजीज भी मिलते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे नए फेसेस आपको दिख रहे हैं, काफ़ी सारे नए स्टाइल्स आप कस्टमाइज कर सकते हो। और उसके बाद हम चलते हैं कैमरा सेटिंग्स में, उसके बाद आऊँगा मैं कैमरा ऐप में। कैमरा सेटिंग के अंदर एक ऐसी चीज़ है जिसकी कितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट मुझे आई है मैं ही जानता हूँ और सारे यूट्यूबर्स जानते हैं, वो है कैमरा फ्लिप वाली प्रॉब्लम। अगर आप सेटिंग्स के अंदर आते हो उसके बाद आते हो कैमरा में, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला है मिरर फ्रंट कैमरा, तो अगर आप फ्रंट कैमरा से पिक्चर क्लिक करते हो तो वो जो सेल्फी वाला इफेक्ट है आप उसको ऑन रख सकते हो या आप कर सकते हो ऑफ। कैमरा ऐप के अंदर की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अब हमें एक्सपोजर वाला टॉगल मिलता है, तो एक्सपोजर जो है आप यहीं से सेट कर सकते हो। पहले हमें प्लस माइनस दिखता था, बट अब ये जो चीज है काफी कूल है, एक नया टॉगल हमें मिल जाता है। कैमरा के बाद अब एक और चीज पे चलते हैं जो मैं एवरीडे बहुत ज्यादा चेक कर रहा हूँ, स्पेशली कैलिफोर्निया में जो हाल है उसके लिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लॉस एंजलिस है मेरी सिटी, और जो अभी एयर क्वालिटी है उसका पूरा इंडेक्स यहाँ पे शो होता है, पहले ये चीज नहीं थी। तो अब आपको काफी सारी नई चीजें दिख जाएंगी वेदर ऐप के अंदर। iOS 14 के अंदर आपको मिलेगी नई ट्रांसलेट ऐप जहां से आप रियल टाइम में अपनी जो बातें आप कर रहे हो उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। और अगर आप इसको कुछ इस मोड में रखते हो तो दोनों जो स्पीकर्स हैं वो एक टाइम पे देख सकते हैं कि आप लोग क्या बातें कर रहे हो, यहाँ पे लिख के भी आएगा, और रियल टाइम में आप जो आपकी बातें हैं उनको ट्रांसलेट कर सकते हो लैंग्वेजेस में। कौन कौन सी लैंग्वेज मिलती है वो चेक कर लेते हैं। अभी आई थिंक ज्यादा लैंग्वेजेस नहीं होंगी, तो अभी हिंदी तो डेफिनेटली नहीं है, कुछ लैंग्वेजेस ही हैं, बट आई एम डैम श्योर थोड़े टाइम में ही जो हिंदी है वो भी ऐड हो जाएगा। अब सफारी के अंदर भी इनबिल्ट ट्रांसलेटर मिलता है, तो अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट चला रहे हो जो कि आपकी रीजनल लैंग्वेज में नहीं है, आपको बस टूल बार के ऊपर टैप करना है, यहां पे आ जाएगी आपकी लैंग्वेज ट्रांसलेट टू इंग्लिश, उसके बाद हमें कर देना है इनेबल ट्रांसलेशन, और आपकी जो वेबसाइट है आप देख सकते हो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो चुकी है। तो ये फीचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। और अगर मैं सफारी के अंदर ही हूँ तो यहाँ पे एक और टैब भी आपको मिल जाएगा जो है प्राइवेसी रिपोर्ट, जिसके अंदर जाकर आप चेक कर सकती हो कि कौन सी वेबसाइट ने कितनी बार आपको ट्रैक किया है, कितनी बार ट्रैक करने की कोशिश की। तो ये जो टूल्स हैं बहुत ज़्यादा सेफ बना देते हैं। और मैप्स के अंदर आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो साइकिलिंग डायरेक्शंस आपको मिल जाएंगी, जो साइकिल वाली लेन होती है उसके हिसाब से आपका पूरा जो डायरेक्शन है वो आपको बताएगा आपका मैप। उसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिक कार यूज़ करते हो तो आपका जो डायरेक्शन होगा वो उस हिसाब से होगा कि बीच में जितने भी चार्जर्स हैं वो आते रहें, आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल राउटिंग वाला जो फीचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो ये थी मेरी वीडियो iOS 14 के ऊपर, आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे iOS 14 का एक्सपीरियंस। जितने भी टॉप फीचर्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं इस वीडियो में, बट अभी बहुत सारी वीडियोस iOS 14 के ऊपर, iPadOS के ऊपर आने वाली हैं चैनल के ऊपर, और WatchOS 7 के ऊपर भी। iOS 14 की अगर अब मैं बात करूं तो बहुत सारी वीडियोस इससे रिलेटेड मैं बनाने वाला हूं, जैसे हर साल मैं बनाता हूं, जहां पे हिडन ट्रिक्स होती हैं, कुछ यूजफुल आपके लिए ट्रिक्स होती हैं, हैक्स होते हैं कुछ, तो ऐसी जितनी भी वीडियोस हैं आप आने वाले एक दो हफ्तों में एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट अभी बहुत कुछ चल रहा है टेक वर्ल्ड में, जैसे कि अभी PS5 लॉन्च होने वाला है, GoPro आ गया है, तो उनकी वीडियोस भी बीच में आती रहेंगी। तो आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जितना प्यार आप आईफोन iOS वाली वीडियोस को देते हो, प्लीज़ यार वो वाली वीडियो को आधा भी दे दोगे ना तो मेरा चैनल सक्सेसफुल हो जाएगा। बस इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार यार प्लीज़ वो वीडियो भी देख लिया करो। और इसी के साथ वीडियो को करता हूँ ख़त्म। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं iOS 14 की, तो टेंशन मत लो, सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।